माय मेकअप इज ऑलमोस्ट डन, जस्ट मस्कारा रहता है तो बस मस्कारा लगाऊंगी जब तक मेरे बालों में टोंक हो रहा है। और हमेशा की तरह आपकी बहन को टोंक बहुत पसंद है तो इस बार भी प्यारे ही लगेंगे बाल। लेट्स सी फर्स्ट आउटफिट कौन सा होता है, कौन सा मैं पहनूंगी और कैसा लुक आता है फाइनल। सो होप फॉर द बेस्ट। गेटिंग रेडी ओवर देयर। मम्मा नींद पूरी हो गई? थैंक गॉड। ये सारा मेकअप रखा हुआ इधर। सो माई मेकअप इज डन, हेयर्स भी डन हो चुके हैं। अब जल्दी से आउटफिट चेंज करूँगी। 1, 2, 3 सो हेयर इज माई फुल आउटफिट गाइज एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर टुडे क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग करने जा रहे हैं। यू गाइज विल नो आगे आगे के कौन हम लोग, क्या सीन है, सारी चीज़ें। ऑब्वियसली ये व्लॉग तब अपलोड होगा जब यू नो गाना वगैरह आ जाएगा तो उसके BTS बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें। तो ये मेरा फर्स्ट आउटफिट है जो कि मैंने खुद ही पसंद किया था और ये मेरा मोस्ट फेवरेट आउटफिट है। मम्मा आप तैयार है? हाउज आई एम लुकिंग? बहुत ज़बरदस्त, नाइस है। चलो मम्मा ने कह दी आप नाइस। कल लगे हैं लोकेशन पर जाने के लिए फाइनली। सबसे हम लोग जो हैं वो उठे हुए हैं, खैर अब फाइनली निकल जाइए। जरिए भैया होता है इस बार, जरिए आ जाए माँ जल्दी। शूज़ ये नहीं पहनने मुझे, शूज़ चेंज कर। ये जो है हमारी शूट इवेंट है गाइस, सब साथ बैठे हुए हैं सीट बाय सीट। मम्मा हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए। देखा नहीं कहती हुई धूप का झोंका देखा आपने? मुझे तो लग रहा था मौसम बहुत अच्छा, मैंने कहा था मौसम बहुत अच्छा है, कोई मौसम अच्छा। मॉल में एंटर हो चुके हैं, हमारी फर्स्ट लोकेशन जो है वो है मॉल। आई डोंट नो आगे जाके क्या है, क्या चीज़ उन्होंने प्लान की है, तो हम जाके देखेंगे। बेसिकली गाइस हम लोग लोकेशन पर पहुंच चुके हैं सो अभी हमें 10 to 15 minutes वेट करना है, फिर उसके बाद जो है वो शूट स्टार्ट होगा। ऑरेंज जूस मैं पी रही हूँ बिकॉज मेरी एनर्जी बहुत लो हो रही है और टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा लेट हो गया है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा क्योंकि कभी ऐसा मुमकिन ही नहीं हुआ। 6:30 मेरी मेकअप आर्टिस्ट जो थी वो आ गई थी, फिर उसके बाद हम लोग लाइक डिस्कशन में लगे हुए थे, चीज़ें मैस्टअप हो गई थी, प्रॉब्लम्स आ गई थी, बट खैर अल्लाह करके सब कुछ ठीक हुआ। अभी बज रहे हैं 12 और स्टिल शूट स्टार्ट नहीं हुआ है और इतनी गर्मी है यहाँ दुबई में, इतनी ज़्यादा कि मतलब आई कॉन्ट टेल यू, बहुत घबराहट हो रही है और इन कपड़ों में तो बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं मुझे, बट आई हैव टू वर्क नाउ। मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी अपने आप को दिखाया है, अभी मैं हीरो को दिखाऊंगी कि हीरो कौन है। Now I'm on my way to change my clothes. Mama is with me. So pretty, so beautiful. So let's see next outfit कौन सा होता है, next song. So this is my first outfit दूसरे song का। सो ये मैंने पहन लिया है, ऑलिव जो है इसको सेट कर रही है माय डिज़ाइनर। आईने पिछली दफ़ा भी इन्होंने बहुत अच्छे से बहुत प्यारे आउटफिट्स बनाए थे, इस दफ़ा भी इन्होंने बहुत अच्छे आउटफिट डिज़ाइन किए हैं, लाइक इतना ज़्यादा इनका क्रिएटिव माइंड है। सो हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू। इज दिस लुक सो प्रिटी? आई एम लुकिंग प्रिटी और नॉट? कॉमेंट सेक्शन में बताओ। Huh? You look pretty all the time, always. Thank with you. Makeup or without makeup? Because you look cute. Any dress you put on, it looks cute. Thank you. It's more baby. Thank you. What? Sharma, very good. इज माई सेकेंड आउटफिट एज यू गैस कैन सी। सो ये मेरा बहुत ही प्यार सा हेयर स्टाइल बन गया है, हेयर स्टाइल भी नहीं लाइक काइंड ऑफ बाल पीछे किए हैं एंड बहुत ही कुछ क्यूट सा लुक दिया है, तो इस वजह से अब हमारा सेकेंड सीक्वेंस स्टार्ट होने वाला है। सो टायर्ड बट वी हैव टू डू। अभी मैं आके थोड़ा सा लेटी हूँ, मतलब थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ मम्मा की गोदों में और आई होप मेरी आँख ना लगे। अभी दूसरे शॉट के लिए मुझे बुलाएंगे तो तब मैं उठ के जाऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। जो है मैं ऊपर जा रही हूँ क्योंकि
शूट जो है वो स्टार्ट होने लगा है। इतनी कम लाइट बची है हमारे पास, हमें क्विक क्विक करना है। जरीर वो बैठा हुआ ये रखा हुआ है रबीका का गिफ्ट जो मैं उन्हें दूंगा। सरप्राइज़ नहीं दे रहा, कोई सॉन्ग की शूट चल रही है। जैसे कि आपको पता है मेरे हाथ में इनका मोबाइल आया तो मैंने बस कहा कि चलो कुछ बातें करते हैं आप लोगों से, क्योंकि आई वॉज नॉट मेकिंग व्लॉग यार। मैंने बोला इतने टाइम तक कौन रुकेगा, बट एज यू ऑल नो दैट शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। बाय द वे आपको पता है बहुत सिंसियर है अपने काम से, और सारी चीज़ें मतलब इनका बस नहीं चली, ये एक हफ्ते तक सोई नहीं और सिर्फ काम करें, मतलब इतना इट इज़ नॉट ईजी है ना, यही बात है ना। तो अभी फ़िलहाल हमारी शूट चल रही है, ड्रेस चेंज कर लिया, रबीका ने भी ड्रेस चेंज कर लिया, वहाँ से उनकी वॉक आएगी और वो अब हेलो, उनको पता चल गया है कि मैंने उनका मोबाइल उठा लिया। अब इनके नखरे और ऊपर चल जाएंगे कि अच्छा चलो कैमरा ऑन हो गया, क्या बात है। तो गाइस देख सकते, शी लुकिंग सो क्यूट एंड स्माइल करते हुए तो बहुत ही प्यारी लगती है। व्हाट व्हाट, एक तो इनको इतना मसला है ना, मैं आपको बताता हूँ। मैं बैठा हुआ, इनका शूट चल रहा है दूसरे सॉन्ग का ना, तो एक दिन में दो सॉन्ग की शूट कर रही हैं ये। मैं तो देखकर ही बेजार हो गया था, मैंने कहा मुझसे तो नहीं होगा आज का, आप कल का रखें। नहीं यार आप समझें ये वो, अच्छा चलो ठीक है। मैं कितनी लंबाई कर रहा हूँ ना व्लॉग में, तो अभी खैर कट कट कट, चलें भाई ये लें भाई। अभी इधर ही आना चाहिए बिल्कुल यही पॉइंट पे, वरना फोकस आउट हो जाएगा। अभी एक काम कर, मैं जब एक्शन बोलूँगा ना, वेरी गुड। शूट जो है वो स्टार्ट हो गया, मतलब सीक्वेंस टू हमारा। मैंने बता दिया था, आपने बता दिया था, बता दिया। एक्चुअली मुझे लोगों को ये दिखाना था कि मेरा हीरो कौन है कौन है कौन है, गेस व्हाट। जिनके बाल कभी सेट नहीं होते यार, बाल सेट नहीं होते और मेरे मसले भी कभी सेट नहीं होते। असल में मैंने यही किया कहा था, बाय द वे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी प्लान्ड समथिंग इंटरनेशनली एंड वी डिड समथिंग इंटरनेशनल। माई जो है वो आगे लोकेशन पे शिफ्टिंग है, तो अभी हम सारा सामान लेके जो है वो आगे जा रहे हैं। क्या चीज़? जरीर का है ये शायद। हूज ग्लासेस इज दिस? हीरो किसका है? हीरो का। रियली? झूठ बोल रहे हैं। झूठ। यस माय हीरोइन। हेलो। The BTS, do let me know in the comment section guys. Actually we are so excited and we are loving to work like this, and this is our first time and I know you guys will definitely love it. And aaj वैसे भी बहुत special day hai and is tarah se ek hamari music video saath mein release ho rahi hai, to itna to maza aa hi raha hai. Hey guys, hello guys, warna I will kill you. Kitne dekhi hain log gaana dekhi hain, kya tumhe tum idhar udhar phir rahe ho? 2000 years later. Oh,
सर प्यार अल्हम्दुलिल्लाह शूट बहुत अच्छा हुआ, मैंने अपने बहुत अच्छे अच्छे आउटफिट पहने नहीं तो मुझे हाँ। बहुत दुख है इस बात और मजे की बात है सर ने जितने आउटफिट्स पहने वो एच टी क्लोथिंग के थे। लेकिन यार मजा आया है ना, मतलब जब भी आएगा ना ये, मतलब ऐसा नहीं है महीने बाद आ जाएगा दो महीने बाद आ जाएगा, लेकिन जब भी आएगा ना बहुत ऊपर से आएगा, ऊपर से भी आएगा। और यार उस वक्त पता नहीं क्या हो, क्या मोमेंट्स हो, क्या होगा। वी आर सो एक्साइटेड एक्चुअली, क्योंकि हमने ऐसा सोचा हुआ है लेकिन हम आपसे शेयर नहीं करेंगे। मूवमेंट कर रहा हूँ जिस तरह बात कर रहा हूँ शायद वो भी ना हो। अच्छा ओके 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी हम लोग जो है जाने लगे इन अ सेंस कि अभी हमें डायरेक्टर से बात करनी है, अभी सबसे यू नो एक्सपीरियंस पूछेंगे एंड लेट्स सी इनका एक्सपीरियंस कैसा है वो ऑनेस्ट वर्ड्स बोलेंगे। अपनी ऑरेंज वाली पहनी हुई है इस आउटफिट के साथ और ये बहुत ज़्यादा यू नो लंबी हील है और यहाँ पे जो फर्श है लाइक इस तरह से ढलान है, बट जो हमारा शूट था उसमें ऐसा था कि मुझे भागना है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र मैंने अपने भरायतुल कुर्सी पढ़ के फूंक ली थी कि बस कोई हादसा ना हो, पैर ना मुड़े कुछ भी हो, क्योंकि पता नहीं होता है। मैंने बहुत ही आराम से कर लिया और ख्याल भी किया कि अच्छे से करूँ आराम से करूँ कोई प्रॉब्लम भी ना है, तो इसलिए सब अच्छे से हो गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब मामा से पूछेंगे, मामा थक गई आप? बहुत ही थक गई, बहुत थक गई मैं तो बैठे बैठे झोंके आ रहे थे। चलो कोई बात नहीं मम्मू। सो ऑलिव कैसा एक्सपीरियंस रहा रबीका के साथ अगेन आपका? आई हैव नो एनर्जी टू लीव माय हैंड्स, आई एम हैप्पी, एब्सोल्युटली आई एम हैप्पी एंड देन आई कांट वेट टू डू इट अगेन टुमारो। ओह या, गुड स्टार्ट एंड गुड एंड। एग्जैक्टली इंशाल्लाह। हम लोग होटल जो है वो पहुंच चुके हैं, बहुत थकन हो गई है गाइस, मैं आप यकीन करें मैं सिर्फ और सिर्फ आधा फ्रॉम बॉटम मिस्ड वॉइस कॉल।